हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल ड्रीम गार्डन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, और जिसे शेयर करते हुए मुझे बहुत खुशी भी हो रही है कि मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो गया है, और आप भी अब बिना सेकेंड थॉट के इसको ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। अगर आप सबको याद होगा कि मैंने 8 फाइकस प्लांट्स की ग्रिल टॉपियरी बनाई थी 30 मई 2021 को, तो मैंने उस वक्त बोला था कि 2 साल लग जाएंगे इसको पूरा कवर अप करने में और ज्वाइन होने में। तो कुछ दिनों से आपको पता ही है कि मैं बार बार बता रही हूँ कि मेरे यहाँ वाइट वॉश चल रहा था, तो मैं बिज़ी चल रही थी जिसकी वजह से प्लांट्स को मैं देख नहीं पा रही थी। तो अचानक मैंने अगस्त में देखा कि यहाँ पर मेरी टॉपियरी ज्वाइन होती जा रही है, यानी कि जो मेरा टारगेट था कि इसको हमने बांधा था, और वो देखिए सारे जॉइंट्स में ये जो आपस में टहनियाँ हैं ये जुड़ चुकी हैं। इसके तने पे सारी की सारी जितनी भी हमारी केबल टाइज लगी हुई हैं वो सब आपस में जुड़ गई हैं, और कुछ हैं जो केबल टाइज रिमूव भी हो चुकी हैं। तो ये जो था मेरा एक्सपेरिमेंट, ये सक्सेस हो गया था, और मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। बट मैं चाह रही थी कि मैं आप सबसे भी शेयर करूं, तो मैंने ये वीडियो बना ली। तो देख सकते हैं आप कि इसके लीव्स भी कितने ज़्यादा हेल्दी हैं, और प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। ये जो मेरे तने हैं ये आपस में जुड़ने तो थे ही, बट इतनी जल्दी और इतनी इजीली हो जाएंगी ये आपस में ज्वाइन, मुझे इस चीज़ की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाने के बाद थोड़ा सा और सर्च किया, तो मैंने देखा कि कुछ लोग इसमें कट करते हैं और ज्वाइन करते हैं, तो कहते हैं कि जल्दी से ये जुड़ जाता है। बट यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल ईजीली ये कितनी अच्छी तरीके से ज्वाइन हो गई हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इसकी एरियल रूट्स भी निकली हुई हैं। तो ये भी देखिए आप कितनी प्यारी लग रही हैं देखने में, और ऊपर भी हमारी एरियल रूट्स कितनी बड़ी बड़ी होती जा रही हैं। तो ये प्लांट इट मीन्स बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, तो हमें इसमें अब कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। बस इसको हम अच्छे से अब फर्टिलाइज़ करेंगे और अच्छे से इसको टेम्परेचर में रखेंगे कि जिसमें ये कि बहुत अच्छे से ग्रो होता रहे। तो इसके जो तने हैं ये भी अब धीरे धीरे देखिए मोटे होते जा रहे हैं, और अब जो है हमने कुछ आपको मैं बता दूँ, हमने जब यहाँ पर कुछ टहनियों की कटिंग करके इसको शेप दी थी तो वो मैंने फेंकी नहीं थी। कुछ टहनियाँ, 4-5 टहनियाँ मैंने ऐसे ही जस्ट पॉट में लगा ली थी। तो आज आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि ये कटिंग्स भी मेरी सक्सेस हो गई हैं, और देखिए कितने अच्छा सा ये प्लांट हो गया है। और इसको भी अब हम थोड़ा सा प्रूनिंग कर लेंगे और शेप देना चाहेंगे तो बहुत अच्छी शेप में ये डेवलप होते जाएंगे। तो मेरे ऐसे कुल मिलाकर 3 प्लांट्स हैं जो कि मेरे कटिंग्स के थ्रू ग्रो हो गए हैं। देखिए 2 तो ये रहे, एक उस स्पॉट में था और एक स्पॉट में लगा रखा है मैंने। तो इनको मैं थोड़ा सा बड़ा करके फिर थोड़ी सी शेप बनाऊंगी, और फिर इसको मैं दिखाऊंगी कभी आपको हो सका तो कि कैसे लग रहे हैं देखने में। और एक जो मेरा प्लांट था तीसरी कटिंग को मैंने जस्ट ऐसे ही ट्रे में लगा दिया है कि चलो अगर इसकी बोनसाई बन सकी तो टाइम तो बहुत लगेगा, क्योंकि देखिए अभी बहुत ही छोटा सा तना है इसका, तो हम ट्राई करेंगे कि इसकी हम बोनसाई बना सकें। तो इस तरह से कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, और बहुत खुशी भी मिलती है इन एक्सपेरिमेंट्स को करने के बाद जब वो सक्सेस हो जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। आपको कैसा फील हुआ इस वीडियो को देखकर ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने कमेंट्स, क्योंकि मुझे ये अपडेट देते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है, और आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है कि आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। तो चलती हूँ मैं, आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care. Bye-bye.